बिहार के दो शहरों में कैसे सैलाब में समाई स्कूल की दो इमारत, मेरठ के दरिंदे कैसे पकड़े गए, भूख का मारा कहां खाने की चोरी कर गया और कहां 1 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। देश भर की बाकी अन्य खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 अन्य राज्य। बिहार में उफनती नदियां तांडव मचा रही हैं। गोपालगंज के सदर प्रखंड में गंडक नदी के किनारे बसा स्कूल देखते ही देखते बाढ़ के पानी में समा गया। काफी दिनों से मिट्टी का कटाव जारी था, जिसके बाद स्कूल की बिल्डिंग नदी के पानी में जा गिरी। वहीं पूर्णिया के भी अमौर प्रखंड में सरकारी स्कूल कटाव की वजह से बाढ़ के पानी में समा गया। असम के डिब्रूगढ़ में नाले में गिरी कार में सवार दो लोगों को काफी मुश्किलों के बाद स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे बाहर बचाया। नाले के किनारे की सड़क पर बारिश के बाद ज्यादा कीचड़ होने से कार फिसलकर नाले में गिर गई थी। कार में सवार ड्राइवर और कार मालिक शीशा तोड़कर कार से बाहर निकल गए थे, लेकिन नाले से बाहर लोगों ने रस्सी फेंक कर निकाला। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक अस्पताल की महिला कर्मी से कार में गैंगरेप का मामला सामने आया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल से लौटते वक्त रंजित नाम के महिला के दोस्त ने झांसा देकर महिला को कार में बिठाया और दोस्तों के साथ रेप के बाद महिला को सड़क किनारे छोड़ दिया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेलवे पुलिस ने एनजीओ की मदद से चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए ले जा रहे बच्चों को रेस्क्यू किया है। मुक्त कराए गए बच्चों को असम अवध एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लिए लाया गया था। सभी बच्चे 9 साल से 14 साल के बीच के हैं। मामले में 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक चोर खाने का सामान चोरी करते कैद हुआ है। यहां 4 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन से ये शख्स कई दिनों से भूखा था। उसने होटल के गल्ले से पैसे की कोई चोरी नहीं की, उसने खाने पीने का सामान उठाया और निकल गया। दुकानदार भी ये देखकर हैरान था। महाराष्ट्र के शिरडी के पास राहता में देव वीरभद्र महाराज के मंदिर में 4 लाख रुपए के चांदी के आभूषण चोरी का मामला सामने आया है। यहां 2 संदिग्ध चोर चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। चोरों ने लॉकडाउन का फायदा उठाकर वीरभद्र महाराज, भगवान शंकर और पार्वती के सिर चांदी के मुकुट ले उड़े। जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस के एक फर्जी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में शख्स का नाम नीरज कुमार है। ये खुद को सब इंस्पेक्टर बताकर गांव में घूमता था और अलग अलग पुलिस चेक पोस्ट का दौरा भी करता था। इसने बताया कि उसके पिता भी पुलिस में थे और वो भी पुलिस में आना चाहता था। मध्य प्रदेश के रतलाम में बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ है। यहाँ एक रेव पार्टी में बड़े पैमाने पर ड्रग्स के इस्तेमाल का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से 1 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है। आरोपी राजस्थान, गुजरात, मुंबई समेत कई राज्यों में इसकी सप्लाई करता था। कोरोना काल में यह खबर राहत भरी है। गुजरात के सूरत में एक बिल्डर ने दरियादिली दिखाते हुए अपने 42 फ्लैट्स मुफ्त में उन गरीबों को रहने के लिए दे दिए जो लॉकडाउन में आर्थिक तंगी की वजह से अपने घर लौटना चाहते थे। बिल्डर ने इन्हें यह मकान महज मेंटेनेंस खर्च पर ही दिए हैं। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।